हनुमान चालीसा विवाद में जेल में बंद नवनीत राणा के केस में अब एक नया मोड़ आया है। अब इस केस में डी कंपनी की भी एंट्री हो गई है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने नवनीत राणा पर बड़ा आरोप लगाया है। संजय राउत ने कहा है कि उन्होंने नवनीत राणा के चुनावी हलफनामे को देखा है। संजय राउत ने ट्वीट किया और ट्वीट में चुनावी हलफनामे की तस्वीर भी शेयर की। संजय राउत ने कहा है, नवनीत राणा ने डी कंपनी से जुड़े यूसुफ लकड़वाला से 80 लाख रुपए का लोन लिया था। संजय ने यह भी दावा किया कि लकड़वाला के संबंध दाऊद से रहे हैं। शिवसेना ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताया है। तो इस तरह से शिवसेना ने नवनीत राणा के डी कंपनी से लिंक को लेकर कई बड़े सवाल उठाए हैं। मैंने एक जानकारी दी है कि नवनीत राणा जो जेल में है उनका एक अंडरवर्ल्ड कनेक्शन सामने आया है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। लकड़ावाला, यूसुफ लकड़ावाला, आप जाकर देखिए, सर्च कर लीजिए कहां भी, आपको पता चलेगा उसके डी गैंग का फाइनेंसर के नाम में वो जाना जाता है। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन उसके बहुत खतरनाक थे। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने उसको अरेस्ट किया था, लकड़ावाला के जिसके जिसके साथ आर्थिक व्यवहार हो गए थे, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन हो गए थे, वो सबको सबकी जांच हो गई। लेकिन एक ट्रांजेक्शन ऐसा था जो नवनीत राणा के साथ हुआ था, 80 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ है नवनीत राणा के साथ, उसकी जांच क्यों नहीं हो गई, क्यों छुपाया गया, नवनीत राणा को क्यों नहीं बुलाया गया जांच के लिए? ये सवाल मेरा सिर्फ ईडी को नहीं है, ये सवाल ईओडब्ल्यू को भी है मुंबई के। कोई तो बचा रहा है उससे। एक बात साफ होती है, मुंबई का और महाराष्ट्र का जो माहौल खराब करने की कोशिश हो रही थी हनुमान चालीसा से लेकर लाउड स्पीकर तक, उसके पीछे एक बहुत बड़ी अंडरवर्ल्ड की साजिश है। अंडरवर्ल्ड का पैसा उसके पीछे लगा है। अंडरवर्ल्ड दहशत और टेरर यहाँ निर्माण करना चाहता था। सूत्रों की माने तो संजय राउत के इस खुलासे के बाद मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ मामला दर्ज करा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो फिर नवनीत राणा की मुश्किलें बढ़ना तय है। बता दें कि लकड़वाला को ईडी ने 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था और लॉकअप में ही उसकी कुछ दिन पहले मौत हो गई थी। वहीं संजय राउत के इन आरोपों पर नवनीत राणा के वकील रिजवान मर्चेंट का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये आरोप आधारहीन है। ऐसे में इस तरह के आरोपों पर प्रतिक्रिया देने का कोई औचित्य नहीं है। नवनीत राणा पर आरोप लगाते हुए संजय राउत ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि लकड़वाला को ईडी ने 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अरेस्ट किया था, लॉकअप में ही उसकी डेथ हो गई। यूसुफ की गैर कानूनी कमाई का हिस्सा अब भी नवनीत राणा के अकाउंट में है, तो ईडी कब पिलाएगी राणा को चाय? क्यों बचाया जा रहा है इस डी गैंग को? बीजेपी चुप क्यों है? हनुमान चालीसा विवाद के बाद देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा पर शिवसेना का हमला लगातार जारी है। वहीं अब नवनीत के चुनावी हलफनामे के बाद लग रहा है कि संजय राउत अभी और भी खुलासे करने वाले हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।